दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे महादेव के सच्चे भक्त की है जिसने अपनी भक्ति की सारी हदें लांग दी। वह अपने घर वालों से भी लड़ गया महादेव की भक्ति के लिए, परंतु महादेव के सच्चे भक्त पर एक बार काल मंडरा गया जिस वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी, परंतु महादेव का सर पर उसके हाथ था। महादेव ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में से आंसू निकलते रहेंगे और आप महादेव की भक्ति में लीन हो जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें लिखकर पहुंचाई है देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले विशाल सोनी ने। विशाल जी हमें बताते हैं कि मैं महादेव का भक्त हूँ, बचपन से ही महादेव की भक्ति करते आया हूँ, महादेव की भक्ति में हमेशा लीन रहता हूँ। आज से करीब 11 साल पहले सन 2010 में हरिद्वार में कुंभ मेला लगने वाला था। मेरी बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी काफ़ी सालों से कि मैं कुंभ मेले में जाऊँ, परंतु इस बार मेरे माता पिता मुझे मना कर रहे थे और मैं मेरे माता पिता का एक लौता बेटा था। वह मेरी बहुत ही ज़्यादा फिक्र करते हैं, इसलिए वह मुझे अपने से दूर नहीं जाने देते हैं। इसलिए मैंने अपने माता पिता से एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला और एक बहाना बनाया कि मुझे अपने कॉलेज की इंटर्नशिप के लिए एक महीने तक दिल्ली जाना होगा। मैंने दोस्त के साथ, मेरे घर वाले मेरे दोस्त राहुल पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास भी करते थे, कॉलेज का काम था इसलिए घर वालों ने हाँ कर दी। अब मेला चालू हो गया था कुंभ का। शुरुआत के दिनों में ही मैं अपने घर से निकल गया अपने दोस्त राहुल के साथ बाइक से। घर वालों से झूठ बोला था इसलिए मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था, परंतु महादेव की भक्ति के लिए मैंने इतना नहीं सोचा क्योंकि उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी भी था। हम हरिद्वार के लिए निकल गए थे और रास्ते में ही मुझे पता नहीं था कि मुझे मेरे झूठ का इतना बड़ा सबक मिलने वाला है। रास्ते में ही मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था और उसको पता नहीं अचानक क्या हुआ और सामने डिवाइडर से वह जा टकराई गाड़ी। मेरे दोस्त आगे बैठा था और वह टक्कर के बाद साइड में गिर गया और मैं गाड़ी के आगे रोड के बीचों बीच, और पीछे से एक गाड़ी आई जिसने मेरी टांगों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। उसके बाद क्या हुआ था मुझे होश नहीं था। जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था और मेरे पाँव पर पट्टियाँ बंध रही थी। मेरे सामने मेरा दोस्त था। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ, तो उसने कहा कि तेरे दोनों घुटने पूरी तरह से टूट चुके हैं और अब तू शायद ही चल पाएगा, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। यह सुन मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया था। मैंने उससे कहा कि तूने घर पर बताया कि नहीं मेरे। उसने कहा कि मैं कैसे बता सकता हूँ क्योंकि हम तो झूठ बोल कर आए हैं। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मुझे मेरे पैरों की इतनी टेंशन भी नहीं थी जितनी मुझे अपने माता पिता को यह बताने में टेंशन हो रही थी, क्योंकि मैं उनका एक लौता बेटा था और अगर मैं उन्हें यह बताता तो मानो उनको कितना बड़ा झटका लगता। इसलिए मैंने कुछ दिनों तक उनसे यह बात नहीं बताई। मैंने महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, मैंने झूठ बोला, उसका सबक मुझे मिल गया है। मेरे माता पिता से मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला है, परंतु मैं तो आपके दरबार पर आ रहा था, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। और यह बोलकर मैं हॉस्पिटल में ही सो गया। करीब 3 दिन हो चुके थे मुझे हॉस्पिटल में ही। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे जिससे मैं अपना इलाज करवा रहा था। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप को फ़ोन लगा दूँ। और जब मैं एक दिन सोया तो हॉस्पिटल में ही मुझे सपना आया और मेरे सपने में स्वयं महादेव आए। महादेव ने कहा कि तू तो मेरे दर पर आ रहा था, क्या हुआ, तू तो अभी तक आया ही नहीं, जल्दी आ, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। और मेरी एकदम से नींद खुल गई। अब मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए
मैं महादेव के दरबार कुंभ मेले में ज़रूर जाऊंगा। मैंने मेरे दोस्त को कहा कि तू मुझे यहां से डिस्चार्ज करवा और वैन और व्हील चेयर मंगवा, अपन हरिद्वार जाएंगे महादेव के दरबार में। अब मैं हरिद्वार के लिए निकल पड़ा था सवेरे सवेरे, कुंभ मेले में उतरा मैं जैसे ही और मैं व्हील चेयर पर था। सबसे पहले मैं महादेव के बिल्केश्वर महादेव मंदिर गया और वहीं पर मैं रात रुकने वाला था। मेरे आसपास बहुत सारे अघोरी बाबा थे। मैंने भोले बाबा के दर्शन किए और कहा कि बाबा अब मैं तभी यहाँ से जाऊँगा जब आप मुझे कोई रास्ता दिखाओगे। मैं तो मेरे माँ बाप से झूठ बोलकर आपके दरबार आ रहा था और अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मेरी पीड़ा सही करो। यह बोलकर मैं वहाँ इतना रोया कि रो रो कर ही मैं सो गया। और अगली सुबह जब मैं उठा तो वहाँ जितने भी लोग थे, जितने भी श्रद्धालु थे, जितने भी अघोरी बाबा थे और मेरा जो दोस्त था, सभी मुझे देखकर चौंक गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब लोग इतने चौंक क्यों रहे हैं। फिर मुझे जैसे ही ध्यान लगा कि मैं तो मेरे अपने दोनों पैरों पर खड़ा हूँ, यकीनन मुझे मेरे खुद के पैरों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा खुशी थी, सभी लोग महादेव को नमन कर रहे थे, अघोरी बाबा जो थे आसपास बम बम भोले के नारे लगा रहे थे, मेरा दोस्त मुझे गले लगाकर, हम दोनों इतने ज़्यादा फुट फुट कर रोए वहीं पर। मैं महादेव के पास गया और मैंने महादेव को कहा कि हे महादेव, मैं तो आपको मान गया। मैंने महादेव से क्षमा मांगी कि मैं कभी भी अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोलूँगा। वहाँ जो दृश्य था वह बहुत ही अलौकिक था। आज भी जब भी मुझे वह दृश्य याद आता है, मेरे आँखों में से आंसू निकल आते हैं। फिर सभी लोग वहाँ जो थे उपस्थित, वह कह रहे थे कि यह तो महादेव का चमत्कार है और महादेव की लीला अपरंपार है। मैं एक दिन और वहाँ रुका, महादेव के मंदिर में ही महादेव की भक्ति में मैं लीन था। और अगले दिन मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा। मैं अपने पाँव पर जितनी भी पट्टी वगैरह थी सब मैंने निकाल ली थी, हल्की फुल्की केवल चोट के निशान ही बचे थे बस, मानो जैसे कोई चमत्कार हुआ। मैंने घर पहुंचकर अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताई, पूरी कहानी बताई। मेरे माता पिता मुझ पर गुस्सा भी हुए और फिर महादेव को उन्होंने धन्यवाद भी कहा। उसके बाद मेरे घर पर शिव पुराण की कथा भी हुई। तो दोस्तों, यह घटना करीब आज से 11 साल पहले की थी और मुझे यह मौका मिला कि मैं महादेव मिरेकल चैनल के माध्यम से यह सत्य चमत्कारी घटना महादेव की आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और आप हमें बताइएगा कि आपको महादेव के चमत्कार की यह सत्य घटना कैसी लगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री महाकाल।